हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम बात करने वाले इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा ग्लैंडमार्क लाइफ साइंस एक आईपीओ है आने वाला है लैंडमार्क फार्मा की एक कम, सब्सिडीज कंपनी है उससे रिलेटेड तो उससे रिलेटेड हम जानकारी लेंगे उससे रिलेटेड कुछ बातों पर चर्चा करेंगे देखेंगे एक्जैक्टली exactly कंपनी करती क्या है उसके फाइनेंशियल कुछ देखेंगे पिछले कुछ सालों के तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हमें उस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए या नहीं तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ एज वेल एज यहाँ पर मल्टीपल वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है इन वीडियोज को जाके आप देख सकते हैं और अच्छे खास यहाँ पर ले सकते तो वीडियो की तरफ तो जिस शेयर से लेटी हम बातें करने वाले ऑलरेडी हमने आपको बता दिया इस कंपनी का नाम है कंपनी करती क्या है पहले वो जान लेते हैं तो अगर हम बात करें तो देखिए ये आर द बिजनेस ऑफ मेकिंग हाई quality drugs by unlocking the possibilities of science matlab ye, uh, drug banane company obviously hai, life science de rakha. over the years we have established a strong relationship with leading uh, global generic pharma uh, pharmaceuticals companies to ye uh, generic dawaiyan that, ha that have helped us expand our, our portfolio offering and uh, geographical reach So, agar baat hai, india meaning outside bhi ye, uh, company kaam karti hu, hai, world mein. we work uh, with 16 of the 20 largest ग्लोबली मतलब पूरी दुनिया की बात करें तो बीस लार्जेस्ट जनरिक कंपनी में ये स्थान पे है तो इसे हम देखना पड़ेगा एज वेल अगर हम बात करें तो कंपनी एपीआई में कंपनी काम करती है नजर आती है एपीआई क्या होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट मींस Uh, जो uh, आप अगर मेडिसिन लेते हैं कोई भी अगर कोई पेन किलर लेते हैं उसमें आपका जो पेन को रिलीफ करता है उसमें का जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसे कहते हैं एपीआई तो अगर बात करें तो एक सौ बीस कंपनी में पोर्टफोलियो में है मतलब ऐसी 20 uh, दवाई की एपीआई बनाते हैं एंड वी ब्लैंड इनोवेशन एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस टू डिलीवर ऑन द प्रोम ऑफ द सर्विसेज तो यहाँ पर ये सब कंपनी काम करती हुई नजर आती है इस चीज को देख एज वेल एज अगर आप बात करें आप देख सकते हैं एपीआई सी डी में कंपनी काम करती हुई नजर आती है मतलब ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ देख सकते हैं 120 सौ बीस एपीआई में कंपनी काम करती हुई नजर आती है अगर बात करें यहाँ पर कार्डियो कार्डियो डिजीज में कंपनी सीबीएस में काम करती है नजर आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कंपनी काम करती है डायबिटीज में गैस, गैस्ट्रो गैस्ट्रोस्टेंटल इंस्टे, हेल्थ में कंपनी काम करती है ऑनकोलॉजी पेन मैनेजमेंट एंटी इंफेक्टिव यहाँ पर कंपनी इस सब चीज़ों के यहाँ पर एपीआई बनाती है और भी बहुत सारी चीज़ों के एज वेल एज अगर हम बात करें यहाँ पर और भी कुछ चीज़ों की तो यहाँ पर इनके जो प्लांट्स वगैरह है वो भी काफी अच्छे मतलब यहाँ पर अगर हम देखते हैं इनके आर एन डी सेक्टर तो यहाँ पर आपको पता चलेगा देखिए थ्री लोकेटर थ्री लोकेशन वेटर आते हैं और अगर और भी कुछ चीज यहाँ पर जाननी चाहते हैं तो यहाँ पर मैन्युफेक्चरिंग प्लांट से रिलेटेड इनकी वेबसाइट है यहाँ पर आप जा, जाके और भी कुछ जा सकते हैं लोकेशन इन इंडिया विदुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ओवर 550 फिफ्टी मेट्रिक टन तो यहाँ पर ये एपीआई मैनुफेक्चरिंग कंपनी काम करती हुई नजर आती है इनके फोर प्लांट्स है ओके आई थिंक दो गुजरात में है दो महाराष्ट्र में है 550 प्लस एमटी मैनुअल सॉरी एमटी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है और कुर, uh, uh, महाराष्ट्र और गुजरात में पड़ते हैं अगर बात करें यहाँ पर रेगुल uh, रेगुलेटरी इंस्पेक्शन तो इनका एफ से यहाँ पर काम करते हुए नजर आते हैं इनके पास ये सब लाइसेंस है ओके एज वेल एज ये इंडिया में ही नहीं यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज में लाइक अगर जापान बात करें

यहाँ पर देखें इनके प्रोमोटर्स तो इनके प्रोमोटर्स है ग्लैनमार्क फार्मास्यूटिकल्स जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट है जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं यहां पर देखिए ग्लैनमार्क फार्मास्यूटिकल्स तो ये एनएससी बी एस सी दोनों पे यहाँ पर लिस्ट होता हुआ दिखाई देता है ऑलरेडी तो इनकी एक सब्सिडीज कंपनी है ओके okay, उसका यहाँ पर आईपीओ आ रहा है अगर हम देखें इसके फाइनेंशियल तो यहाँ पर इनके फाइनेंशियल देख सकते हैं मिलियंस में पर रिजल्ट है ये 19 के है 20 के है ट्वेंटी तो अभी जो क्वार्टर आया मतलब तीन साल का यहाँ परफॉर्मेंस दे रखा है ईयरली बेसिस पे टोटल रिवेन्यू की बात करें तो देखिए एसेट तो यहाँ पर बढ़ती है एसेट को यहाँ पर माइनर नहीं रखते बट अगर बात करें रिवेन्यू यहाँ पर माइनर रखती है तो रिवेन्यू अगर हम देखते हैं तो टू में इनकी एट एट हाँ मिलियनस रुपीज़ की रिवेन्यू थी यहाँ पर से अगर बात करें तो लगभग डबल होती हुई दिखाई दी अगले साल पंद्रह से बाद अगर बात करें तो अठारह हजार पर टोटल रेवेन्यू मिलियन से रुपीज में बढ़ती हुई दिखाई दी जो तो कि ईयरली बेसिस पे अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आ रही है प्रॉफिट की भी बात करें तो देखिए प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उन्नीस मिलियन से रुपीज था टू में ट्वेंटी की बात करें तो थर्टी वन मिलियन से रुपीज बाद बात करें इस बार की तो थर्टी फाइव मिलियन से रूपीज का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था कंपनी अच्छा खासा यहाँ परफॉर्म कर है और ग्लेनमार्क फार्मा की भी बात करूं तो वो भी अच्छा खासा यहां पर परफॉर्म करती हुई नजर आती है इसके अलावा ऑब्जेक्टिव की बात करें कि क्यों यहां पर ये आ, लाया जा रहा है तो इसके टू मेक द पेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग परचेज कंसिडरेशन ऑफ द प्रोमोटर्स फॉर द स्पिन ऑफ ऑफ द एपीआई बिजनेस फ्रॉम द प्रोमोटर्स इन टू कंपनी अगर बात करें यहाँ पर uh, सेम चीज है अगर बात करें पर एक्सपेंडिचर expend, में पर कंपनी खर्च करना चाहती है एज वेल एज एपीआई के आर एंडी वगैरह में कंपनी खर्च करना चाहता है टू मीट द जनरल कॉर्पोरेट वही सब चीज यहां पर बताई गई है जो कि ऑलरेडी हर एक चीज में हर एक आई में होता ही है आईपीओ की अगर हम बात करें डेट की और कब ओपन हो रहा है कब क्लोज हो रहा है

एक्सपायरी uh, वाले दिन इशू टाइप की बात करें बुक बिल्डिंग होगा बुक बिल्डिंग का मतलब क्या है यहाँ पर टू डिफरेंट रेट होते हैं जो आपका टॉप या फिर मिनिमम प्राइस पे यहाँ पर लगा सकते हैं और फेस वैल्यू यहाँ पर दो रुपए रहेगी मार्केट लॉट की बात करें बीस रुपए का बीस शेयर का यहाँ पर एक लॉट आपको मिलेगा मिनिमम आपको बीस शेयर के लिए मतलब एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा बी एस सी एन एस सी दोनों पर यहाँ पर लिस्ट होता हुआ नजर आएगा मैक्सिमम तो तेरह लॉट ही होते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं इशू साइज की बात करें तो यहाँ पर इन इनका जो फ्रेश इशू है वो देखिए लगभग यहाँ पंद्रह सौ तेरह करोड़ का यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर आईपीओ आता हुआ दिखाई दे रहा है जिनमें से फ्रेशू एक हजार साठ करोड़ रुपीज का है ओके यहाँ पर अगर बात करें इसके बाद बात करें ऑफर फॉर सेल यहाँ पर कौन बेच रहा है उसके रिलेटेड बात करेंगे तो यहाँ पर फोर करोड़ रुपीज का यहाँ पर बाकी का ऑफर फॉर सेल यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है ओ कुछ और चीजों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईपीओ की डेट तो मतलब लगभग तारीख तारीख को को पर आ रहा है क्लोज हो जाएगा बेसिक अलॉटमेंट डेट यहाँ पर पता चल जाएगी थर्ड ऑफ थर्ड ऑफ अगस्त को आपको पता चल जाएगी अगर मिला है तो अच्छी बात है नहीं मिला है तो यहाँ पर आपके पैसे चार तारीख को इनिशिएट कर दिए जाएंगे और यहाँ पर अगर बात करें क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट अकाउंट डीमेट अकाउंट में पैसा आपके पाँच तारीख को आ जाएंगे और सॉरी आपके जो शेयर्स है वो आपको अगर मिला होगा आपको अलॉट होगा होगा तो यहाँ पर पाँच तारीख को आपके अकाउंट में डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और छः तारीख को यहाँ पर लिस्ट हो सकता है ये कंपनी इसके अलावा और भी कुछ चीज़ों की बात करें तो मिनिमम आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम थर्टीन लॉट के लिए मतलब टू शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसकी कॉस्ट वन वन होगी और वन लॉट की प्राइस फोर्टी होगी और अगर करें यहाँ पर आ, यहां पर कितने आ, ज, इसका जो जीएमपी चल रहा है वो लगभग टू सेवेंटी से थ्री हंड्रेड रुपीज के आसपास यहां पर इसका जीएमपी चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कि हम बात करते हैं और उसी के बेस पर जो कि अभी अगस्त तक आने में मतलब काफी टाइम है ओके तो बीच में मार्केट भी थोड़ी सी कोरोना की ये प्रॉब्लम्स है एज वेल एज बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ नजर आ रही है तो वहां पर अपसाइड साइड डाउन हो सकते हैं उस पर भी नजरें बना के रखिएगा जीएमपी के लिए बाकी यहां पर इस कंपनी के अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये कंपनी अच्छे खास है पर परफॉर्म भी करके दिखाया है अगर और भी चीजों की हम बात करें यहाँ तो पर तो यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं कंपनीज इन सभी चीजों में यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है एपीआईज में यहाँ पर आप देख सकते हैं और एज वेल एज बात करें यहाँ पर अच्छी खासी है यहाँ पर इनका फाइनेंशियर्स हमने देख ही लिया है और भी कुछ बात करें तो देखिये यहाँ पर ये जो कंपनी है इक्विटी शेयर वहाँ पर ऑफर फॉर सेल जो कर रहा है वो ग्लैंडमार्क फार्मा कर रहा है क्योंकि इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो ग्लैंडमार्क फार्मा है ओके वो और सब्सिडरीज कंपनी लाइफ साइंस है तो अगर बात करें यहाँ पर सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री लैख शेयर यहाँ पर ओ के थ्रू ग्लैंडमार्क फार्मा यहाँ पर बेचता हुआ नजर आ रहा है और अगर बात करें छब्बीस तारीख को यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स की यहाँ पर बेड होगी